सब्सक्राइब कीजिए लेट्स लर्न चैनल को, बेल दबाइए और पाइए लेटेस्ट वीडियोस ऑन रीजनिंग एंड जीके। प्लीज शेयर इट। दोस्तों मैं हूं जेपाल भाकर, आज आपको अनुपात के आधार पर क्वेश्चन बताऊंगा। जैसे पहला प्रश्न है, यदि ए अनुपात बी 5:7 हो, बी अनुपात सी 6:7 हो, तो ए बी सी का अनुपात क्या होगा, रेटिनो क्या होगा। दोस्तों सबसे पहले आपको जो ये दिया हुआ है, आप देख रहे हो बी की वैल्यू यहाँ पे 7 है और यहाँ पे बी की वैल्यू क्या है, 6 है। दोनों जगह आपको बी की वैल्यू अलग अलग दी गई है, तो इस बी की वैल्यू से इसको गुणा कर दीजिएगा और इस बी की वैल्यू से इसको गुणा कर दीजिएगा। तो इसकी बी की वैल्यू क्या है आपके पास, 6 है, तो इसको गुणा कर दीजिएगा आप। तो 5 को गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा, और इसको गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा आपके पास, 42 आ जाएगा। इसी प्रकार ये हो जाएगा आपके पास ए अनुपात बी का रेशो। इसी प्रकार आपको बी अनुपात सी का रेशो निकालने के लिए यहाँ पे इस बी की वैल्यू से इनको गुणा कर दीजिएगा, यहाँ आ जाएंगे आपके पास 42 आ जाएंगे, और यहाँ पे सी की जगह आपके पास कितने आ जाएंगे, 6 से इसको 7 से गुणा करोगे तो कितना आ जाएंगे आपके पास, 50 आ जाएंगे। इस प्रकार से दोस्तों ये हो जाएंगे, मैं देखो बी की वैल्यू अब दोनों जगह क्या हो गई, समान हो गई है, तो मैं ए बी सी क्या लिख दूंगा, 30:42:50 लिख दूंगा। ये इस प्रकार से इसकी ए बी सी का रेटियो आ जाएगा, आप कर सकते हो। इसी प्रकार क्वेश्चन संख्या 2, यदि ए अनुपात बी हो 2:3 हो, तो बी अनुपात सी 5:7 हो, तो ए अनुपात सी। दोस्तों ऊपर वाला प्रश्न की तरह ही होगा, इसमें ए बी अनुपात सी पूछा है और इसमें ये पूछा है। ये क्वेश्चन मैं आपको बताने से पहले, यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे आप मेरे पिछले वीडियो भी देख सकते हो और आने वाली वीडियो भी देख सकते हो। इसमें ये करना है कि जो इसमें बी की वैल्यू है इसको गुणा कर देना है, और इसकी बी की वैल्यू जो 5 है इनसे इनको गुणा कर देना है। तो मैं इनको पहले इनसे कर देता हूँ, ये आ जाएंगे आपके पास 10 और 15 आ जाएंगे इस 5 से गुणा करने पर। इसी प्रकार ये बी की वैल्यू आ जाएगी आपके, बी और सी की अनुपात निकालने के लिए मैं इसको 3 से गुणा कर दूंगा, तो यहाँ आ जाएगा 15 और 21 आ जाएंगे। तो ये हो जाएंगे आपके पास 10:15:21। इसी प्रकार दोस्तों इसका मान निकालना है, तो ये भी एकदम ईजी है आपके पास। सीधा आपके पास ए बट्टे में जो दिया हुआ है ये है, ये इसका वैल्यू हो जाएगी, ये इसकी वैल्यू हो जाएगी, ये इसकी वैल्यू हो जाएगी। तो मैं लिख सकता हूँ ए के बराबर में 2 है, बी के बराबर में कितना है, 3 है, सी के बराबर में कितना है, 4। इस प्रकार से आप इसमें मान रख दीजिएगा, ए बी सी तीनों जोड़ दीजिएगा, 5 हो जाएंगे, 5 और ये कितने हो जाएंगे, 9। सी की वैल्यू कितनी है, 4, तो 4 रख दूंगा मैं, तो ये इसका मान हो जाएगा। इसी सूत्र फॉर्मूले में रखना है। इसी प्रकार ये प्रश्न मेरा, ये आखिरी प्रश्न है, तो ये प्रश्न हर एग्जाम में भी आता है वैसे। तो आप देखिए, आपको x और y का अनुपात दे दिया है, तो x का मान यहाँ पे 3 हो जाएगा और y का रेटियो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। आप इसमें मान रख दीजिएगा, तो मैं ऐसे रख दूंगा इनको 4, और x की जगह मैंने कितना रख दिया, 3 रख दिया, फिर प्लस का चिन्ह है, फिर 5। y की जगह मैं कितना रखूंगा, 4 रखूंगा। तो इसका मैं पहले इसका मान निकाल देता हूँ, तो इसका आ जाएगा, ये आ जाएंगे 12+20 कितने हो जाएंगे, 32 हो जाएंगे। इसी प्रकार ये, तो इसमें 5 है, x की जगह मैं कितना रख रहा हूँ, यहाँ पे 3 रख रहा हूँ, प्लस माइनस y की जगह मैं कितना रख रहा हूँ, 4 रख रहा हूँ। इस प्रकार से इनको दोनों गुणा कर दूंगा, कितना आ जाएंगे, 15 आ जाएंगे, माइनस के इन दोनों गुणा करूंगा तो कितना आ जाएंगे, 8, कितना बचेगा, 7। तो इस प्रकार से इन दोनों का रेशा क्या आ जाएगा, 32:7। दोस्तों यदि ये मेरा वीडियो आपको पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दूसरे मित्रों को भी शेयर कीजिएगा, और मेरे इस चैनल पे पिछले भी कई अच्छे वीडियो डाले हुए वो भी देख लीजिएगा। धन्यवाद।